पर्यटन के क्षेत्र में बिहार तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक विजिट करने लगे हैं। कोरोना की वजह से पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई थी, लेकिन अब फिर इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले साल की तुलना में इस साल पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब तक 27,78,000 से अधिक देशी और विदेशी पर्यटकों ने बिहार का भ्रमण किया है। बिहार आने वाले पर्यटकों में सबसे ज्यादा पर्यटक राजगीर पहुंच रहे हैं। पर्यटन विभाग के अनुसार जनवरी से जून 2022 तक 27,70,446 भारत से तो 7,590 विदेशी पर्यटकों ने बिहार के पर्यटन स्थलों की सैर की है। पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय राजगीर है। राजगीर में 5,92,528 देशी तो 1,514 विदेशी पर्यटकों ने सैर किया है। दूसरे पायदान पर नालंदा है, जहां 5,29,838 देशी तो 849 विदेशी पर्यटकों ने सैर किया है। तो वहीं तीसरे पायदान पर बोधगया है। बोधगया में 2,88,158 देशी तो 2,196 विदेशी पर्यटकों ने सैर किया है। सबसे अधिक विदेशी बोधगया आए हैं। पटना चौथे पायदान पर है। पटना में सैर करने वाले देशी पर्यटकों की संख्या 2,84,567 तो विदेशी पर्यटकों की संख्या 1,681 है। गया में 1,938 देशी तो 1,275 विदेशी पर्यटकों ने सैर किया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार कोरोना के कारण बीते वर्ष में श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हो सका था, लेकिन इस बार सुल्तानगंज से देवघर बाबा धाम लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, ऐसे में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होना तय है। इसके अलावा सब कुछ ठीक रहा तो इस बार सोनपुर मेला का भी आयोजन होगा, उसमें भी देश विदेश के लाखों पर्यटक आते हैं। इसके अलावा पितृपक्ष मेला का भी आयोजन होना है, ऐसे में बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अगर बात राजगीर की करें कि बिहार में सबसे ज्यादा लोग राजगीर घूमने आ रहे हैं, तो इसमें आपको भी पता है राजगीर में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट पे काम हुआ है या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुके हैं जिससे कि सैलानी राजगीर पहुंच रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जिसने हाइप लिया है वो है राजगीर का ग्लास ब्रिज।